अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल है आपके, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है ये कौन से दिन चल रहे हैं और इस दिनों में क्या चल रहा है, अगर नहीं पता तो मेरे साथ रहिए। तो बस चलते हैं, अपने दोस्त को एक पिक करने जाना है, उसको भी ले लेते हैं क्योंकि उसके साथ ही जाना है हमें वहाँ पे जहाँ जा रहे हैं हम। तो आप लोग चलें साथ। तो भाई हम आ गए हैं आप सबकी शौकीन जगह पे, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में और चीज़ें। तो हम आए हैं आज अहमद कैटल फार्म का रिव्यू करने के, अहमद कैटल फार्म में कितने जानवर हैं, क्योंकि बहुत सुना था इस जगह के बारे में और हमारे ही दोस्त का ये फार्म। तो आपको लेके चलते हैं उनके पास, उनसे डिटेल बताते हैं और आपको जानवर दिखाते हैं आगे के कितने खूबसूरत खूबसूरत जानवर यहाँ पे इन्होंने पाले हैं। अस्सलाम वालेकुम अरम भाई, तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सोहेबी भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है अरम भाई, हम आपके फार्म आ गए हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह फार्म बहुत प्यारा है, मैं जानवर देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत। कितने जानवर आपके टोटल फार्म पे? यार हमारे पास होंगे तकरीबन 200 जानवर हैं। तो आपने इन सब जानवर जितने भी खड़े हुए सबको पाला है बचपन से? कुछ को पाला भी है, कुछ अभी भी खरीदे, मतलब 5-6 महीने पहले खरीदे। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी हम आपको जानवर दिखाते हैं, इनको इनसे बात कराते हैं कैसे जानवर इन लोगों ने पाले, क्या क्या किया इनके लिए। तो इनका कुछ इस तरीके का फार्म है, ये पूरा इन्होंने ये जगह ली हुई है पूरी दूर, वो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है उस साइड पे, ये भी इधर भी जानवर हैं, इधर भी जानवर सारे खड़े हुए हैं। अभी उस साइड पे भी चलते हैं, हम इस जगह पे भी चलते हैं, देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से और किस किस किस्म के जानवर हैं, ताकि हम भी थोड़ा एक्सप्लोर करें। यार हमें जानवर में इतना इंटरेस्ट नहीं है बट लोगों को बहुत होता है, तो लेट्स गो। तो अरम भाई, इस जगह पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है इस वाले पोर्शन में, पूरे पोर्शन में? इस वाले में आ जाओ। चलो भाई देखते हैं इस पोर्शन में इनके पास कौन सा, क्योंकि सारे मुझे तकरीबन बड़े ही जानवर लग रहे हैं अरम भाई, क्योंकि जितने भी हैं सारे माशाल्लाह गोल गोल जानवर हैं। तो भाई देखें सबसे बड़ा जानवर इनके पास माशाल्लाह ये है। यार इसकी खूबसूरती देखें, मारे नहीं मारे नहीं, ये देखें यार इनके पास सारे ही माशाल्लाह से बड़े जानवर। ये जितने जानवर खड़े हुए हैं सबकी कलेक्शन में सबसे बड़ा जानवर ये वाला है और मुझे भी सबसे बड़ा यही लग रहा है माशाल्लाह। यार इसको अरम भाई आपने कब से मतलब पाला है, बचपन से या क्या किया है? इसको एक साल हुआ अभी, एक साल हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह से इन्होंने एक साल से पाल रहे हैं और खिलाई पिलाई बहुत प्यारी रखी है इन्होंने, इसलिए तो देखें माशाल्लाह कितना गोल है। तो बस आगे भी चलते हैं, इनसे और भी जानवरों का रिव्यू लेते हैं। चले अरम भाई, तो भाई माशाल्लाह इनके ये वाले पोर्शन में तो बहुत प्यारे जानवर थे जैसा कि आपने देखा। और आज गर्मी भी इतनी है कि यार मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी आँखें नहीं खुलनी धूप के लिए, थोड़ा छाँव में चलते हैं। ये आ गई छाँव। तो इनके अभी दूसरे पोर्शन में चलते हैं, और भी जानवर इनके पास बहुत सारे जानवर और बहुत प्यारे प्यारे जानवर है ना। और चलें अभी सबसे छोटा अरम भाई जानवर दिखा रहे हैं, वो कौन सा जानवर है देखते हैं चलें। ये माशाल्लाह इनका दूसरा पोर्शन है और इनके दूसरे पोर्शन में भी जानवर देख सकते हैं आप, कितने सारे जानवर और कितने प्यारे प्यारे जानवर हैं। तो अभी चलते हैं सबसे छोटा जानवर देखने के लिए कि इनके पास सबसे छोटा, और ये भी बड़ा जानवर है भाई, ये तो वही ऐसा इस पोर्शन में सबसे बड़ा, इस पोर्शन में शायद सबसे बड़ा जानवर ये होगा। देखा मुझे लग ही रहा था कि ये सबसे बड़ा जानवर है, कितना प्यारा है माशाल्लाह यार। और सबसे छोटा जानवर कहाँ है? इसके पीछे, नज़र क्यों नहीं आ रहा भाई? अरे माशाल्लाह इतना सा जानवर यार, कितना प्यारा है ये, लात नहीं घुमा दे अरम भाई, सीधा तो करो इसको। ये देखे भाई कितना छोटा और कितना प्यारा है, इसके मुकाबले आप देखेंगे इसको, ये देखें कितना फर्क है दोनों में, इतना बड़ा जानवर उसके बराबर में छोटा जानवर। यार माशाल्लाह अरम भाई ये भी बहुत प्यारा है, ये कब से था आपके पास? ये तो बचपन से, ये बचपन से ये इनके पास, ये भी बचपन से, और ये जितने भी खड़े हैं सब बचपन से या कुछ मिक्स है? ये सारे जितने भी है ना ये समझो 6-7 महीने पहले आए हुए। अच्छा हाँ भाई, इनके पास कुछ जानवर हैं जो जैसे 7-7 महीने पहले आए हैं, और ये छोटा वाला जो है इनके पास ये बचपन से और बहुत प्यारा है यार, ये बहुत खूबसूरत जानवर है, इफ़ आप लोग रियलिटी में देखेंगे ना बहुत प्यारा लगेगा।
यार मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इनके पास इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवर होंगे, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े पोर्शन में और अलग अलग किस्म के जानवर, जैसा कि आपने देखा था कि इतना छोटा सा जानवर इन लोगों ने वो भी पाला है। यार मतलब मैं सोचता हूँ कि यार खिलाने और पिलाने में इतना इनको वो होता होगा यार, इतने सारे जानवर हैं, इन्होंने बंदे भी रखे हैं, इनका खर्चा भी कितना होता होगा। लेकिन यार ये लोगों को, इन लोगों को बहुत शौक है, मेरा ये दोस्त जो है इसको बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, तो इसलिए ये पाल लेते हैं। इनके पास कुछ ऊँट भी हैं, शायद वो भी दिखाते हैं अभी आपको। भाई आपने ऊँट भी पाले हैं माशाल्लाह। जी भाई। यार आपको मतलब इतना शौक कहाँ से आ गया इन सब चीज़ों का? ये बचपन से ही है भाई। ये इनको बचपन से शौक है माशाल्लाह, ऊँट भी इन्होंने रखे हैं भाई, इनके अलावा वो गाय के अलावा ऊँट भी रखे हैं। इनके पास भाई फार्म पे मतलब सब कुछ ही है तकरीबन, इन्होंने ऊँट भी पाला हुआ है और भी। ये इतने खतरनाक तरीके से देख रहे हैं ना कि अभी खा जाएगा। तो माशाल्लाह देखें ऊँट कितने प्यारे प्यारे थे, दोनों सफ़ेद हैं। अच्छा इनकी कोई नस्ल वसल भी होती है? दाची नस्ल होती है और इनमें दो तीन नस्लें और आती हैं। ये दोनों सफ़ेद जो वाइट ऊँट होता है ना, ये हाँ ये वाइट ऊँट है भाई। इनके तो और भी बाल शाल है ना, इनके थोड़े ट्रिम वो किए हैं, ये पूरे दोनों वाइट है। अच्छा अच्छा, तो भाई इनके ये जो नस्लें आती हैं अलग अलग, ये वाइट ऊँट है, इनके बाल वाल भी थे, इन्होंने ट्रिम कर दिए हैं। तो यार फिर भी इतने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, ये देखें कितनी खतरनाक शक्ल वाला ऊँट है। कौन सी यार? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ये देखें यार, आपको अगर दिखी मैं आपको दिखाता हूँ, ये री इसका नाम क्या है राम भाई? अरे माशाल्लाह बकरे भी हैं, मेरी फेवरेट बकरे आ गए भाई जान, ये देखे फेवरेट बकरे। बकरों का आपके भाई को बहुत ज़्यादा शौक है भाई। और दुम्बे भी हैं, कितने प्यारे माशाल्लाह यार दुम्बे। ये दुम्बे भी आपने बचपन से रखे हैं? ये पिछले साल आए थे सारे, पिछले साल बकरे ईद पे आए थे ये। अच्छा 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 अच्छा, ये देखें भाई माशाल्लाह ये बकरे वो रहे, वहाँ मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ये दुम्बे रखे हैं। आगे चलते हैं, आगे भी बकरे हैं भाई, ये पूरे 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 वाइट होते हैं माशाल्लाह। ये कौन सी नस्ल है? ये राजनपुरी, राजनपुरी नस्ल भाई, ये राजनपुरी नस्ल बकरे हैं जिनके सिंग नहीं होते, ये शायद वही है ना, ये पूरे जो है ना वाइट होते हैं। हाँ और इनकी हाइट काफी ज्यादा होती है। ये देखें भाई, ये देखें माशाल्लाह। पर्सनली पूछे ना तो सिंग वाले बकरे पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को ये बकरे भी पसंद होते हैं, क्योंकि राजनपुरी लोग पसंद करते हैं बगैर सिंग के बकरे। तो ये देखिए कितना प्यारा, वो देखिए कितने कितनी आराम से लेटा हुआ है। म्यूजिक लाइसेंसिंग रीइमेजिनड। आगे इनके थर्ड पोर्शन में वो सामने देख रहे हैं, वो फर्स्ट पोर्शन था, वो सेकंड था। ये सारे इन्होंने बकरे रखे हुए हैं और वहाँ मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ये इनका थर्ड पोर्शन है। थर्ड पोर्शन में भी आ गया है, यहाँ पे भी माशाल्लाह यार बहुत प्यारे जानवर हैं यार। ये सारे कुर्बानी के नहीं है, ये सब जो गायें पाली हुई हैं उनके दूध देने वाली गायें। अच्छा ये सारी दूध देने वाली गायें, तो भाई इनके पास वो भी गायें जो दूध देती हैं, इन्होंने यहाँ पे थर्ड पोर्शन में ये रखी हुई हैं कि जो दूध देती है ना गायें वो वाले जानवर हैं सारे। इस जगह से निकलेंगे तो ये भाई इनका ये पूरी एक और जगह आ गई है, ये पोर्शन तो नहीं कह सकते बट ये पूरी इनके पास एक खाली जगह है और इनके पास एक भैंसा भी है एक अदद। अरे माशाल्लाह छोटे छोटे जानवर भी। हाँ भाई अरम भाई ये भैंसा देखें माशाल्लाह। अच्छा हाँ। माशाल्लाह यार गुलाबी भैंसा होता है यार, ये भैंसा मुझे छोटा छोटा सा क्यों लग रहा है? छोटा नहीं है ये, साइज इतना होता है नस्ल में आता है। अच्छा ये दूसरी नस्ल है जिसका छोटा साइज होता है। और ये बताएं कि ये अब अगर ये जानवर है ये कितने साल में बड़ा होगा? यार ये तो अभी दो दो तीन दो दो महीने के एक महीने के बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल ही छोटा बच्चा है। अच्छा हाँ, इनकी माँ अंदर खड़ी, मुझे आपको दिखाई है अभी। तो ये कितने मतलब कितने साल लगेंगे इनको कुर्बानी के लिए? यार दो दो साल, दो दो साल, दो दो साल ये उस जैसे हो जाएंगे जैसे दिखाए हमने जानवर। ये देखे भाई माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं, ये बच्चे हैं अभी और ये एक भैंसा खड़ा हुआ है। इनके पास एक भैंसा भी था जैसे आपने देखा, और एक छोटे छोटे से बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, अभी इनको दो साल ढाई साल लगेंगे कम अज़ कम। और इनके पास और बच्चियाँ भी हैं जो देखें माशाल्लाह, ये बच्चियाँ सारी अनम भाई, ये सारी कुर्बानी की हैं? जी ये सारी कुर्बानी अभी आई हैं, ये अभी आई हैं, ये अभी ओपनिंग पे इनके रेट वगैरह। अच्छा 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 माशाल्लाह। ये वाला पोर्शन भी था जो हमने कवर कर लिया, ये अंदर ये भी जानवर खड़े हैं यार, बहुत बहुत बड़े पैमाने पे इनके पास। कैसे हो भाई, अल्लाह हाफिज़। तो अब चलते हैं जो इन्होंने बेच चुके हैं जानवर, इन्होंने अलग पोर्शन लगाया हुआ है जहाँ पे इन्होंने सारे जानवर वो बेच चुके हैं। ये सारे बिके हुए जानवर हैं जो लोग खरीद के रख दिए इन्होंने लोगों ने कि यार हम लेके जाएंगे बाद में। परम भाई ये सारे बिके हुए जानवर माशाल्लाह, ये जितने
तादाद में खड़े हुए, ये कौन है तक सब बिके हुए, लोग मतलब छोड़ के चले जाते हैं। मतलब अब वो टाइम देते हैं कि हम इतने टाइम में ले जाएंगे, तो इसमें आप खिलाई पिलाई उनसे लेते हैं क्या है, उनसे पैसे लेते हैं आप? भाई इनके वो हिसाब है कि ये अगर बेच देते हैं जानवर तो ये महीने के हिसाब से उनसे पैसे ले लेते हैं कि हम इतने पैसे लेंगे, इतने महीने हम खड़ा कर लेंगे। ये भी सही है यार, क्योंकि इनका भी फायदा होता है, इन्होंने एक्सपेंस निकालना होता है सारा। ये सारे माशाल्लाह से बिके हुए जानवर हैं जितने भी हैं। भाई ये इनका एक बकरों का और पोर्शन है जहाँ इनके पास बहुत सारे की तादाद में बकरे हैं। तो अरम भाई ये सारे बकरे ये बेचने वाले हैं, ये जितने भी हैं? और वो जो वहाँ खड़े हुए थे वो आगे की तरफ कोने पे भी बेचने वाले हैं, कुछ दुम पे बेचने वाले नहीं है, बाकी बकरे बेचने वाले। अच्छा, ये भी इनके पास ये बिकने वाले सारे जानवर हैं, इनमें दो दांत चार दांत सब मिक्स हैं, सब मिक्स हैं। भाई ये देखें इनके पास ये एक बड़े पैमाने पे बकरों का पोर्शन है पूरा, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे बकरे हैं, ये देखें भाई, ये देखें, ये देखें। मतलब इनमें ये वाले जो है ना थोड़े नॉर्मल बकरे, मतलब छोटे भी हैं इसमें बड़े भी हैं, वो जो वहाँ थे ना है, ये खीरे हैं, ये खीरे हैं, दो तीन जो इसमें खड़े हैं वो खीरा के साथ हैं। भाई इनमें खीरे भी हैं, भाई मैं ये बताना भूल गया, इनमें सारे, इनमें से दो तीन खीरे भी हैं, ये सारे बिकने वाले, ये सारे कुर्बानी के बकरे हैं, वहाँ पे भी थे वो भी कुर्बानी के, दुम्बे नहीं थे बट वो बकरे जो थे सारे कुर्बानी के थे माशाल्लाह। देखें ये देखें, इन्होंने मुर्गियाँ भी रखी हैं भाई, चलती फिरती मुर्गियाँ। भाई आप लोगों ने देखा इनके पास कितने माशाल्लाह बड़े पैमाने पे इनके पास जानवर हैं, बकरे हैं, दुम्बे हैं, इनके पास मुर्गियां भी रखी हुई हैं। तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम, आप सोच रहे होंगे कि हमने जानवरों के रेट नहीं बताए, यार इसलिए नहीं बताए क्योंकि अभी जो अपकमिंग संडे है उस दिन इनके फार्म की ओपनिंग है, तो उस दिन आके हम आपको सब जानवरों के रेट भी बताएंगे और लोकेशन भी बताएंगे कि किधर है उसके बाद, क्योंकि ओपन ही नहीं रहेगा इनका फार्म। इफ़ किसी को परचेस करना हो तो वो यहाँ आके विज़िट करे, इनसे बाय करे। तो भाई आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही रहा माशाल्लाह, हमने आपको जानवर दिखाए कैड अहमद कैटल फार्म के, इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवर थे। तो इंशाल्लाह अपकमिंग संडे को इनकी ओपनिंग है, तो बस उस दिन आएंगे और आपको रेट भी बताएंगे। तो बस अपना व्लॉग करते हैं यहीं एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।